42 साल बाद दिल्ली ने मुंबई को रणजी ट्रॉफी में हरा कर रचा इतिहास। सरफराज का शतक भी नहीं बचा पाया टीम को हार से। दिल्ली ने रणजी ट्रॉफी में नया इतिहास बना दिया है। 20 जनवरी को अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली ने मुंबई को 42 साल बाद हराया है। दिल्ली के लिए यह सीजन बेहद खराब साबित हुआ है। ऐसे में इस जीत से टीम को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। दिल्ली की टीम पिछले 42 साल से मुंबई के खिलाफ एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। वहीं रणजी ट्रॉफी के इतिहास में यह दिल्ली ने एक भी मैच नहीं जीता था, जबकि टीम को 2 में हार मिली थी। वहीं 3 मुकाबले ड्रॉ हुए थे। ग्रुप बी में कुल 8 टीमें थी और दिल्ली इसमें 7वें पायदान पर थी। दिल्ली क्रिकेट के लिए पिछले कुछ महीने से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। खराब प्रदर्शन के चलते टीम के सिलेक्टर्स को हटा दिया गया है। वहीं कप्तान हिम्मत सिंह को भी ड्रॉप कर दिया गया था। दूसरी पारी में गोल्डन डक का शिकार हुए सरफराज। ये मुंबई के लिए बड़ी हार है, क्योंकि टीम में पृथ्वी शाह, सरफराज खान और अजिंक्य रहाणे जैसे सितारे होने के बावजूद टीम को हार मिली। मैच की बात करें तो दिल्ली ने यहां मुंबई को पहली पारी में सिर्फ 293 रन पर ही समेट दिया था। मुंबई के बल्लेबाजों ने बेहद खराब बल्लेबाजी की और सिर्फ सरफराज खान का बल्ला चमका। सरफराज ने 155 गेंदों पर 125 रन ठोके। इसमें उन्होंने 16 चौके और 4 छक्के लगाए। दिल्ली की पहली पारी की बात करें तो वैभव रावल ने शानदार शतक जमाया और 114 रन की पारी खेली, जबकि हिम्मत ने टीम के लिए 85 रन का अहम योगदान दिया। इस तरह पहली पारी में दिल्ली की टीम 369 रन की लीड ले चुकी थी। मुंबई ने दूसरी पारी में बेहद खराब बल्लेबाजी की और टीम सिर्फ 170 रन पर ऑल आउट हो गई। दिल्ली ने अंत में 8 विकेट हाथ में रहते ही लक्ष्य का पीछा कर लिया था और सीजन की पहली जीत हासिल की। पारी में मुंबई की तरफ से सिर्फ रहाणे ने 51 रन बनाए। इसके अलावा और कोई बल्लेबाज चल नहीं पाया। पहली पारी में शतक जमाने वाले सरफराज यहां बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। मुंबई को मात देने में दिविज मेहरा का सबसे बड़ा योगदान रहा। दाएं हाथ के इस गेंदबाज ने कुल 5 विकेट लिए। बता दें कि ऐतिहासिक जीत के बाद भी दिल्ली की टीम अगले दौर में नहीं जा सकती। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।